हाय बच्चों, हमने स्टोरी पढ़ ली लालू एंड पीलू, समझ ली, ठीक है, रीडिंग अच्छे से हो गई। अब हम करेंगे कुछ नए शब्द जो इस कहानी में हैं। आइए बेटा, जानते हैं कौन से न्यू वर्ड्स हैं स्टोरी में। वर्ड्स आए हमारे आपके ना पेज 35 पे, नीचे लिखे हुए हैं ये वाले शब्द, ठीक है। पहला शब्द चिक्स। चिक्स बोलना सीखा करो बेटा साथ में, आप भी बोलो चिक्स, CHICKS। नेक्स्ट वर्ड हैन। हैन, HEN, हैन। हॉट, HOT, हॉट, हॉट। नेक्स्ट वर्ड प्लांट, PLANT, प्लांट, आप भी बोलो प्लांट। नेक्स्ट वर्ड येलो। येलो, YELLOW, येलो। आओ बच्चों, इन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अब चिक्स, CHICKS, चिक्स मतलब मुर्गी का बच्चा। चिक्स ये बहुवचन है, चिक्स तो मुर्गी के बच्चे होगा, है ना, अगर चिक होगा तो मुर्गी का बच्चा। नेक्स्ट इज हैन, HEN, हैन। हैन का अर्थ मुर्गी। थर्ड वर्ड हॉट, HOT, हॉट। हॉट माने गरम। लास्ट नेक्स्ट वर्ड प्लांट, PLANT, प्लांट। प्लांट का अर्थ पौधा। लास्ट वर्ड येलो, YELLOW, येलो। येलो का अर्थ है पीला। चिक्स मुर्गी का बच्चा, हैन मुर्गी, हॉट गरम, प्लांट पौधा, येलो पीला। अब ये शब्द अर्थ जो हैं आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, लिख के उनको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ये आपका अभी एक एक होमवर्क ये हुआ। अब मैं आगे आपको एक और होमवर्क जो है वो मैं बता रही हूँ क्या होमवर्क है। ओके, अब आया रीडिंग। 35 पेज पे ही है। बेटा मैंने नोट किया है, जो आपको मैं रीडिंग का होमवर्क भेजती हूँ ना, आप वो करके नहीं भेजते। आपको ऐसा लगता है कि वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। सारे होमवर्क जरूरी होते हैं और होमवर्क आपको बहुत कम मिलता है, अच्छे से किया करो। सो मुझे ये आपका जो सेंटेंस है वो ऑडियो रिकॉर्ड करके, रीड करके मुझे आपने ये आपने ऑडियो मैसेज जरूर भेजना है। ओके, पढ़ते हैं। आई लव प्लांट्स। आई लव प्लांट्स, मैं पौधों से प्यार करता हूं या मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड सेंटेंस, द चिक्स रैन टू देयर मदर। द चिक्स रैन टू देयर मदर, मुर्गी के बच्चे अपनी माँ के पास भाग कर गए। तो ये दो लाइनें जो हैं आप लोगों को अपनी कॉपी में उतारनी है, नए जो मैंने अभी वर्ड मीनिंग्स किए उनके साथ, और इन दो सेंटेंसेस की रीडिंग करके आपने मेरे को अपना ऑडियो मैसेजेस भेजने हैं। सो दो होमवर्क ध्यान रखना, न्यू वर्ड्स, रीडिंग होमवर्क ऑफ दीज सेंटेंसेस, भूलना नहीं बेटा। ओके, टेक केयर।